26 या 5 मई 2003 को महात्मा बुद्ध जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सो दिस टाइम इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 5 मई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। फ्रेंड्स, 5 मई 2003 को इस वर्ष महात्मा बुद्ध जयंती मनाया जा रहा है, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। यह दिन हर वर्ष बैसाख मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और इसी दिन से उन्होंने अपनी अनुयायी बनाना शुरू किया था। 563 ईसा पूर्व बैसाख मास के पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी राज्य में हुआ था, जो कि आज नेपाल में पड़ता है। इसी पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष यानी कि 80 वर्ष की आयु में कुशानगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे भारतवर्ष में छुट्टियां मनाई जाती हैं। हॉलीडेज वेयर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है और जब उनका जन्म हुआ था तो उनके कुल गुरु ने यह भविष्यवाणी की थी कि या तो वे राजा बनेंगे या फिर वे सन्यासी बनेंगे। इस बात से उनके पिता बहुत परेशान रहते थे, यानी कि राजा सुदोधन बहुत परेशान रहते थे, बहुत चिंतित रहते थे और हमेशा यही सोचते रहते थे कि कुल गुरु की दूसरी भविष्यवाणी कहीं सत्य ना हो जाए। इस बात से वह अक्सर परेशान रहते थे। अपने राज्य में हर तरह के ऐशो आराम की उन्होंने सुविधा जुटाई और इसी बात से चिंतित होते हुए भी उन्होंने सिद्धार्थ का शादी 16 वर्ष में यशोधरा से कर दिया था और इससे उनका एक पुत्र भी हुआ था। पुत्र का नाम राहुल था। एट द 16 इयर्स एज ही हैड अ सन, हिज नेम इज राहुल। जब वह 29 वर्ष के हुए थे तब वह जंगल से गुजर रहे थे तो जंगल में उन्होंने 4 चीजें देखा, यानी कि 4 सीन उन्होंने देखा जिससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। वह चीज था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति एंड सन्यासी। इन चारों को देखकर उनके मन में तरह तरह के विचार आते रहे और इससे वह बहुत परेशान रहते थे। अंततः उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया और रातों रात घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद 7 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते कई जगह उन्होंने कई ऋषि मुनि के आश्रम में जाके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ और आखिरकार अंततः उन्हें बोधि वृक्ष यानी कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पर ध्यान करना शुरू कर दिया। बिहार में निरंजना नामक नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था और वहां पर जाकर बैठ गए। इसी पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बुद्धित्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने इन 4 शिष्य को ज्ञान दिया था, जिनका नाम है सारिपुत्र, मोद गलायन, उपाली, अभय। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने इन चारों को ज्ञान दिया था। उसके बाद अपने घर गए थे और घर जाकर अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी माता को ज्ञान दिया था। यहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या किया। अंतत बैसाख मास के पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धित्व का ज्ञान प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। लगातार 49 दिन यानी कि 49 डेज तक ध्यान करने के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि बुद्धित्व का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। आज विश्व में 20 से अधिक देशों में बौद्ध धर्म यानी कि बहुसंख्यक या प्रमुख धर्म के रूप में माना जाता है। विश्व में लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका यह 6 देश अधिकृत बौद्ध देश हैं, क्योंकि इन देशों के संविधानों में बौद्ध धर्म को राज धर्म या राष्ट्र धर्म का दर्जा प्राप्त है। श्रीलंका व अन्य दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में वैशाख उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाए जाते हैं, फूलों से घर को सजाए जाते हैं। विश्व भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बिहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाकर पूजा करते हैं, बौद्ध वृक्ष की भी पूजा की
की जाती है। उनकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकों से सजाया जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर उसकी पूजा की जाती है। जड़ों में दूध और सुगंधित पानी चढ़ाया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन किए गए अच्छे कार्य को पुण्य प्राप्ति की नजर से देखा जाता है। पिंजरों से पक्षी को मुक्त किया जाता है। गरीबों को भोजन कराया जाता है, वस्त्र दान दिया जाता है और दिल्ली के स्थित बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्म के लोग वहां आकर प्रार्थना कर सके। हर जगह, हर राज्य में जहां जहां भी गंगा बहती है, उस जगह पर गंगा स्नान का भारी मेला लगता है। सभी श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस पूर्णिमा पर गौतम बुद्ध जी का भी जन्म है, तो इसीलिए यह बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और यह सबसे फेमस पूर्णिमा यानी कि इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खास माना जाता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने घर में भी आप बैठकर महात्मा बुद्ध का ध्यान करते हुए कुछ देर अगर आप मौन रहते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। और इस तरह से हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में, विदेशों में भी बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।